आज मेरा जींद जिले का प्रवास है। यहाँ भी दो तीन तरह की बैठकें हमारी अलग अलग होंगी, संगठनात्मक बैठक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति में है, जिला परिषद में है, या पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं, ऐसे सब जनप्रतिनिधियों की एक बैठक रहेगी। बीजेपी में कोर ग्रुप की व्यवस्था है, कोर ग्रुप की भी एक बैठक रहेगी। बाद में कुछ कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय पान। अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। इस सारे को एक पखवाड़े के रूप में सेवा और आत्मनिर्भरता, ऐसे 2 थीम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों की रचना की है। मोदी जी के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक कार्यक्रम लेंगे, मोदी जी को हाँ, पॉलिथीन को ना। सभी नगरों में हर घर तक एक कपड़े या जूट का थैला पहुंचाएंगे, जिस पर यह स्लोगन लिखा होगा, मोदी जी को हाँ, पॉलिथीन को ना। आग्रह करेंगे कि पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल बंद करें और अपना जो भी घर का सामान है बाजार से लाते हैं वो इस थैले में लाएं। दूसरा, हर जिले में एक ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाएंगे। मोदी जी का 70वां जन्मदिन है तो 70 लोग कम से कम रक्तदान करें, ज़्यादा संख्या जितनी भी हो सकती है। जो कोरोना से होकर निकल गए हैं, प्लाज्मा दे सकते हैं वो प्लाज्मा दें, जो रक्त दे सकते हैं वो रक्त दें। इसी तरह से पार्टी सेवा कार्यों में आगे रहे तो एक सेवा केंद्र चलाए जाते हैं, CSC, जिनको अटल सेवा केंद्र ऐसे अभी नाम है। पार्टी 70 सेवा केंद्र भी प्रदेश में नए पार्टी के लोग खोलें, जैसे हमारा दफ्तर बन गए हैं कई स्थानों पर, हमारे ऑफिस में हो, और कुछ नेता अपने ऑफिस चलाते हैं जिनका सामर्थ्य है वो अपने ऑफिस में भी चलाएं। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे विचार के, जो बीजेपी का मूल विचार है एकात्म मानव दर्शन, उसके पुरोधा हैं। उनके जन्मदिन पर उनके विचार को नीचे तक पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र और उनके विचार, ये हर बूथ तक एक चित्र भी जाए और उनके विचारों पर चर्चा हो, ऐसी गोष्ठियां हर बूथ तक रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से और गांधी जी की जयंती तक आत्मनिर्भर भारत की जो योजनाएं हैं, गरीबों को लाभ देने की, चाहे कोई रेहड़ी पटरी वाला है, कोई मनरेगा वाला है, चाहे कोई भैंस का गाय का लोन होने की स्कीम है, ई रिक्शा की स्कीम है, ऐसे भिन्न भिन्न स्कीमों पर लाभार्थी को सीधा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। केवल भाषण करना नहीं, कोई उस पर संबोधन करना नहीं, ये देखेंगे कितने लोगों को ऐसा सीधा लाभ पहुंचाने में सहयोगी बन पाते हैं। सीधा सीधा रचनात्मक कार्यक्रम, उद्बोधनात्मक कार्यक्रम, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जैसे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लोकल पर वोकल, हमने थोड़ा इसका हरियाणवीकरण कर लिया, वहाँ वोकल फॉर लोकल था, हमने लोकल पर वोकल कर लिया,
और देसी नेड़ा, जो भी अपने अपने ज़िले के ऐसे आइटम हैं जो ज़िले से बाहर जाते हैं, जिनकी प्रसिद्धि है, जिनका नाम है, उसका एक उस पर एक देसी मेले का आयोजन, सेल और प्रदर्शनी दोनों, उसके स्टॉल वहाँ लगाए जाएं और लोग वहाँ आए। प्रचार होगा, प्रदर्शनी तो अपने आप ही हो जाती है, तो स्टॉल लग जाता है, लेकिन वहाँ बिक्री भी हो तो वहाँ उसकी उसके कारण से लोकल पर वोकल होने का जो आह्वान है, इसको देसी मेले के माध्यम से हर ज़िले में हेडक्वार्टर पर ऐसा एक देसी मेला लगाएंगे। ये आने वाले पखवाड़े के कार्यक्रम हमने रखे हैं। एक विषय पर मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उस पर कुछ लोग तथ्य से दूर जाकर चर्चा कर रहे हैं। 3 अध्यादेश आए हैं सेंटर में, और वो अध्यादेश किसानों की डायरेक्ट मार्केटिंग को बढ़ावा देने, डायरेक्ट मार्केटिंग करने वालों को सुरक्षित करने के लिए आए, लेकिन इस पर लोगों ने इससे परे जाके एक विषय करना शुरू कर दिया, इससे मंडी व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, MSP पर फर्क पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कानूनों के तहत, व्यवस्था के तहत तय होता है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। MSP जो का त्यों रहेगा, और सरकारी खरीद भी जो की त्यों रहेगी मंडियों में, और इस पर कोई शंका जाहिर कर रहा है तो उसकी ढोल की पोल अभी खरीद की, हम खरीद करेंगे एक एक दाने की, धान की खरीद होगी, बाजरे की खरीद होगी, उसकी ढोल की पोल खुल जाएगी, इस पर शंका का किसी प्रकार का कोई कारण नहीं। ये 3 कानून तो कोई किसान मान लो खुद अपना सामान बेचता है, पहले भी बेचता था, उसको सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं कि उसके लिए पूरे देश का बाजार ओपन है, खुला हुआ है, वो अपनी मर्जी से बाजार ढूंढकर अपना सामान बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार की अब कोई रोक टोक या मंडी ले जाने का बंधन नहीं। वो अपने सामान को किसानों का समूह बना के भी बेच सकता है, FPO, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे मिल जाएंगे तो हो सकता है कि अपने सामान को दूर तक भिजवा सके, दूर तक व्यापार कर सके। तीसरा इसमें एक विषय आया है कि मान लो आज बहुत सारे बिग बाजार है, रिलायंस फ्रेश है, फ्लिपकार्ट है, आशीर्वाद आटे वाला है, ऐसे बहुत लोग सामान इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं, तो ऐसे लोग अगर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भी आपका गेहूं मैं लूँगा आशीर्वाद आटे के लिए, या आप 306 उगाओ या सरबती उगाओ, किसी खास किस्म को उगाओ, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में किसान कैसे सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था की। और ऐसा कोई व्यापार करना चाहता है तो वो जो छोटा मोटा उसको स्टॉक करना है वो कर सके, 100 टन है, 200 टन है, 1000 टन है, वो कर सके, इसके लिए अध्यादेश लाए गए हैं। अभी 1000 में एक आदमी है जो ऐसा डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, 999 तो अभी मंडी वाले हैं, इसलिए ये उस 1000 में एक को सुरक्षित करने के लिए। सुरक्षा भी कैसे दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में इतने अच्छे नियम बनाए हैं जैसी सोच चौधरी छोटराम की थी। अगर मान लो किसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसके बदले में वो मेरी ज़मीन नहीं ले सकता, ये नियम में है, वो मुझसे उधार उतरवाने के लिए खेती नहीं करा सकता, ये भी नियम में है। जो भी भाव वगैरह तय होंगे उसकी पहले ई रजिस्ट्री होगी, उसको उस बात को पूरा करना पड़ेगा, ये 2 चीज़ किसान से ले ही नहीं सकता, ये उस कानून में है। तीसरी बात, अगर मान लो कोई मेरे से चेरी टमेटो उगवाता है और कहता है कि मेरी पोली हाउस चाहिए, पोली हाउस के पैसे दे देता है, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद एक निश्चित समय सीमा में अपने पोली हाउस को नहीं उतारता मेरी अगली फसल से पहले, तो पोली हाउस मेरा हो जाएगा, ये भी नियम है। यानी पूरी तरह प्रो फार्मर इन नियमों को बनाए गए। इन नियमों से कैसे फायदा होगा, 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ, बाद में कोई आपकी बात होगी तो उस पर कहूँगा। मैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते केरल में था, मैंने वहाँ इलायची का भाव पूछा, उस समय 400 रुपये था,
मैंने उसी समय फोन करके अपने प्रदेश में पूछा तो 1200 रुपये छोटी इलायची का। अगर किसान वहाँ कोई FPO बनाकर यहाँ तक पहुँचाता, आज भी अगर नारियल आप यहाँ खरीदो पीने पानी पीने वाला और केरल में 5 रुपये में है, अगर किसानों का संगठन बनाकर उससे आधे पैसे में भी जितने में आज यहाँ बिक रहा है पहुँचा पाता है तो उनको कितना लाभ होगा। ऐसे ही मैं अभी कोरोना काल की घटना आपसे साझा करना चाहूँगा। कोरोना में सब लोग मंडियों में कम जा रहे थे क्योंकि मंडियाँ भी कई कोरोना से पॉजिटिव हो गई थी, कई कई लोग मिल गए, बाहर सड़क के किनारे बेचने वाले भी बढ़ गए थे हमारे किसान भाई। तो एक ट्रॉली में प्याज लिए हुए था, मैंने उससे प्याज खरीदे। फरकनगर के पास में ट्रॉली लगा रखी थी, इन दिनों में मैं गुड़गांव में था। मैंने कहा अभी कैसे दे रहा है, बोला 75 रुपये धड़ी दे रहा हूँ साहब। मैंने 5 किलो प्याज ले ली। अगले दिन वो गुड़गांव के बिल्कुल आउटर पर खड़ा हुआ था धनकोट में। मैंने फिर उससे पूछा, क्योंकि मैं किसान मोर्चा का बंदा रहा हूँ, कृषि मंत्री रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा रहती है। मैं कह रहा प्याज कैसे दे रहा है, बोला साहब 20 रुपये किलो, 100 रुपये दही। मैं थोड़ा मुस्कुराया और अपने आगे निकल गया। तीसरे दिन मैं गुड़गांव के रेलवे रोड पर चला गया, जो मेन बाज़ार है जहाँ रेहड़ी लगती है मौसमी की, इसकी सब्जी, मुझे कुछ मौसमी अनार वगैरह लेने थे। वही दिख गया, मैं जानबूझ के गया उसके पास। मैंने कह रहा प्याज कैसे दे रहा है, बोला 40 रुपये किलो, 200 रुपये दही। मैं कह रहा तो वही है ना जिससे मैंने प्रश्न कर लिए थे, बोला भाव जी वही हूँ। मैंने कहा यहाँ तो इस भाव में दे रहा है, बोला जी यहाँ 50 रुपये बिक रहे हैं। तो यही बात है कि थोड़े किसान तो बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले, ये आर्थिक आज़ादी एक छोटे रास्ते से दी गई है उसको। तो ये नियम, ये कानून, ये अध्यादेश जो अभी कानून बनेंगे, ये केवल और केवल डायरेक्ट मार्केटिंग वालों को सुरक्षित करने के लिए। बाकी जो पुराना सिस्टम है वो जो का चलेगा, और जो ही अब मंडी में खरीद शुरू होगी तो ऐसे कहने वालों की भी पोल खुल जाएगी। अपने नया नाम देखिए, एक तो मुझे 4 विकल्प मिले, मैं खुद बेचूं, FPO बेचे, या कोई व्यापारी बाहर आकर मेरे खेत से और खेलान से अच्छे दाम पे ले।